जीतने के लिए सामने से प्लेयर आते नजर आ रहे जो कि खुद जॉन्टी होने वाले हैं। तो यहाँ पे हमको मे भी देखने को मिले फौजी अजय वर्सेस जॉन्टी। दोनों के दोनों कैप्टन्स खेलने वाले इस टाइप पे इस गेम को। अगर हम बात करेंगे कुणाल के ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे डिलीट एंड कुणाल ने शॉट दिए डिलीट के ऊपर। डिलीट की काफी कम हेल्थ होने वाली है, क्या यहाँ पे डिलीट समझ पाएंगे, क्या कुणाल को किल कर दे जगह देखने वाली बात रहेगी। यहाँ पे कुणाल की बहुत कम एचपी, यहाँ पे कुछ सेकंड के अंदर डिलीट भी डाउन हो सकते बट कुणाल को डाउन करा जाएगा। 500 का रेट ऑफ फायर बहुत कम होता है एज कंपेयर टू हमारी यूएसपी और उसी का डबल यूएसपी का फायदा उठाएगा। यहाँ पे जॉन्टी भाई की तरफ नेट कुक करा जा रहा है ड्रैगो की तरफ से एंड आपने नेट की बात करते हैं, हाँ ये नेट काम करेगा। ओह माय गॉड, राजा का क्या हेडशॉट कनेक्ट होता है, माफिया के ऊपर किल भी कंफर्म करा जाता है। डिलीट की बात करेंगे इस रेंज पे शायद वो नहीं मार पाएंगे राजा को, बट राजा को डिलीट से रन नहीं है, पीछे वाले प्लेयर से डर होने वाला है, पीछे से हमला कर सकता है और अर्श को डाउन कर जाएगा। ड्रैगन की तरफ से जो किल ऑलरेडी कंफर्म कर देंगे अपने लिए और यहाँ पे अभी 1v3 की फाइट होने वाली है। फाइनली फाइट स्टार्ट हो चुकी है, राजा की काफी कम हेल्थ होने वाली है, एक और नेट आएगा यहाँ पे काफी ज्यादा इफेक्ट क्रिएट कर जाएगा। चौथी बहुत नजदीक जा चुके हैं, फौजी अजय को यहाँ पे संभलना होगा क्योंकि वो पूरी टीम के बीच में होने वाले हैं, उनके ऊपर नीड्स किया जा रहा है। राजा के पास किंगफिशर होने वाली है एंड राजा कहीं ना कहीं रोटेट करते नजर आ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं कैसे एक नॉक निकाले, लेकिन ड्रैगो पीछे से सपोर्ट फायर देंगे। नेट को किया है, नेट आगे जाएगा एंड नेट से कोई भी डैमेज नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं स्पॉट किया हुआ है। ड्रैगो पीछे हटने की कोशिश करें, वॉल्स लगाएंगे एंड अपने रिफ्लेक्सेस के साथ सामने वाली टीम की आंख में धूल झोंक के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अर्थ को माय गॉड डिलीट का नेट आएगा, दो प्लेयर्स को नॉक करेंगे, दूसरे जॉन्टी भी नॉक हो चुके हैं, राजा बिल्कुल अकेले बचे। 3v1 की सिचुएशन, इस मैच को यहाँ पे कहीं ना कहीं फिर से टीम फौजी अजय डोमिनेट करती नजर आ रही है। क्या राजा 1v3 निकाल पाएंगे, क्योंकि 1v3 निकाला अगेंस्ट दिल्ली ड्रैगन को जा रहे कैसे। ओ शायद से फौजी अजय अगेन क्यू कैटल का यूज करे और उसके ऊपर कुछ शॉट आए हैं। यहीं पर अगर हम बात करेंगे ऊपर चढ़ा जा रहा है, ऊपर जाया जाएगा प्लेटफॉर्म के ऊपर, शायद वहां से काफी सारे शॉट्स लेने का ट्राई कर जा रहा है बट जिसका प्लेयर सबसे पहले डाउन होगा उसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। कुणाल की काफी कम हेल्थ होगी, जॉन्टी भाई के ऊपर शॉट्स आ चुके हैं, यहाँ पे उनको हीलिंग की सख्त जरूरत है। फौजी अजय की बात करेंगे तो क्यू कैरेक्टर अगेन उनके पास होने वाला है, काफी फ्लैंक एंगल पे बैठे हुए हैं। माफिया एक हायर प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे एंड साथ ही साथ बात करते हैं डिलीट के बारे में, तो हाथों में होने वाली किंगफिशर देखते हैं उसके साथ किस तरीके की शॉट्स देने वाली है। एग्जैक्टली शॉट्स लिए गए हैं कुणाल के ऊपर एंड क्या उनको नॉक किया जाएगा। जी हाँ, पीछे से नॉक करेंगे, हालांकि वहां पे माफिया ने कुणाल को नॉक कर दिया पीछे से एंड सेम टाइम यू नो आप सैंडविच बना रहे हो सामने वाली टीम का, एक ऊपर से अटैक कर रहा है, एक पीछे से अटैक कर रहा है, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे। लेकिन अर्श राजा यहाँ पे राजा क्या नेट आएगा, यहाँ पे डिलीट में भी नॉक हो सकते हैं, लेकिन डिलीट की तेज रिफ्लेक्स वहां पे डॉज कर जाएंगे नेट को। यहाँ पे राजा आगे बढ़ेंगे, डिलीट को पता चल चुका है राजा की पोजीशन, यहाँ पे वन टैप आने की कोशिश की जा रही है बट नहीं, बहुत कम एचपी से यहाँ पे डिलीट बच जाएंगे और देखते ही देखते आप देखिए अर्श बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन एचपी अभी हर किसी की कम है तो मे भी हमको क्लच देखने को मिले। 87 जो कि डबल बैरल होती है वो प्रेफर की गई है। रोटेशन की बात करें तो दो दो स्प्लिट में हमारी जो टीम है टीम जॉन्टी वो खेल रही है, लेकिन बिल्कुल स्प्रेड आउट होकर खेल रहे हैं यहाँ पे टीजी से, यानी कि हमारी जो टीम फौजी अजय स्पॉट किया है कुणाल को एंड ड्रैगो यहाँ पे कुणाल को नॉक जरूर कर सकते हैं क्योंकि ड्रैगो का एंगल कहीं ना कहीं बहुत खतरे में डालेगा। कुणाल नॉक हो जाएंगे, इसी चीज का मुझे डर था एंड कुणाल के साथ फौजी अजय भी नॉक हो जाएंगे। अभी भी है, राजा का स्प्रे आता नजर आ रहा है, उनके पास यूएमपी होने वाले, डिलीट और माफिया अकेले बचे, वापसी में भी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पे नेट से डिलीट को भी नॉक किया जाएगा। जॉन्टी विद अ माइंड ऑफ अमेजिंग नेडिंग स्किल्स, बोले कमाल का माइंड, वो जो कह देना लाइक आपका यू नो वो बिल्कुल तेज तर्रार दिमाग, वो क्यूरेट नेट कहीं ना कहीं मुसीबत में डालेगा। माफिया बिल्कुल अकेले बचे हुए, इनके पास यूएमपी होने वाली है, अर्श के ऊपर स्प्रे किया है लेकिन नहीं, मैच यहाँ पे जाएगा टीम जॉन्टी के खाते में। और ग्राउंड से अपर ग्राउंड को उछल करके ड्रैग शॉट देना बहुत ज्यादा खतरनाक था बट ये गेम डू और डाई होने वाला है, ये गेम संभालना बहुत ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि इसके बाद फौजी अजय के हाथों से रेत की तरह गेम फिसलता हुआ जाएगा। बट कहीं ना कहीं बात करेंगे ये गेम टीम जॉन्टी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे इसके बाद ज्यादा आपके ऊपर प्रेशर बनने वाला है। बट राजा का यहाँ पे शॉट आएगा, डिलीट को डाउन कर अपनी स्नाइपर के साथ, तुरंत किल कंफर्म करने का ट्राई करा जाएगा बट उनके टीममेट का बचा भाई जी नहीं, यहाँ पे माफिया को भी डाउन कर दिया जाएगा। देखते हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे फौज भेजे, यहाँ पे लाइट नो फाइट ले रहा है। ओह माय गॉड, फर्स्ट चुके पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना ब्रेक एंड रूल की सिचुएशन, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तोड़ा जा रहा है, हर एक प्लेयर को अलग करा जा रहा है अपने आप से और इस टाइम पे कोई फॉर्मेशन फॉर्म नहीं करने दी जा रही टीम फौजी अजय को। ये टाइम है टीम जॉन्टी का, क्या वो टीम संभालता है क्योंकि आखिरी प्लेयर ड्रैगो उसको भी अर्श जा रहे, क्या ड्रैगो वहां पे जाकर ट्रैप होंगे क्योंकि देखिए दिक्कत में आएंगे, डिलीट वहां पे नॉक हो जाएंगे, राजा यहाँ पे मुसीबत में आएंगे, लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे नेट किया जा रहा है वो पीछे से गए हैं, राइट साइड से फौजी अजय गए हैं, रोटेशन अच्छे लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या वो कारगर होगा? तो ओ माय गॉड, ट्रैक को भी नॉक किया जाएगा। फौजी अजय और माफिया दोनों अकेले बचे, उन्हें सारा रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे शॉट आएंगे दो प्लेयर्स को नॉक लिए। माफिया बिल्कुल अकेले, वापसी कर चुकी है यहाँ पे टीम जॉन्टी, बिकॉज इसी वापसी के हमें आज ही इसी चीज का हम वेट कर रहे थे कि ये वापसी हो, 3-3 से बराबरी हो, एंड वो चीज ऑलरेडी हो चुका है। लेकिन माफिया की एक शॉट आएगी एंड कहेगी नहीं, रुकिए जरा सब्र कीजिए, अभी हम जिंदा हैं, 1v2 सिचुएशन अभी भी, और माफिया क्लचेस कमाल के करते, लेकिन यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ थोड़ा सा गलत नेट जाएगा एंड शॉट्स आएंगे। 3-3 से और वापसी की जा चुकी है। होंगे एक ही कंपाउंड है जिसके अंदर आपको आना है जोन के साथ। इस टाइम पे आपके पास 3 वे होते हैं, आप किस वे का यूज करेंगे? क्योंकि इस टाइम पे टीम जॉन्टी यहाँ पे सेंटर में होने वाले हैं, बिल्कुल रुके पड़े हैं, कहाँ पे पोजीशन मिले तो वहाँ पे फायदा उठाए। कुणाल के ऊपर शॉट आएंगे, साथ साथ यहाँ पे बात करेंगे फौजी के ऊपर शॉट्स आएंगे, हीलिंग करने की सख्त जरूरत है, कुणाल बच जाएंगे, बट क्या फौजी हीलिंग करेंगे? यहाँ पर हीलिंग की सख्त जरूरत है, यहाँ पे नेट थ्रो करा जाएगा, बट दूसरी साइड जॉन्टी भाई यहाँ पे मतलब डैमेज देना चाहते थे नेट के साथ, बट मौका नहीं मिलेगा। ड्रैगो के डेजर्ट ईगल के शॉट्स आएंगे, इस टाइम पे मिड रेंज में यूज करें डेजर्ट ईगल, क्रूज में यूज करेंगे हमारी रेटेड 7, कुणाल को डाउन करा जाएगा। लग रहा है कि आप साइड टीम जॉन्टी समझ नहीं पाएगी कि क्या होने वाला है, क्योंकि पूरा गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर अर्श की बात करेंगे, ड्रैगन को डाउन कर देंगे, ओह माय गॉड, बहुत कम मार्जिन के साथ दो प्लेयर्स को डाउन करेंगे, बट यहाँ पे नहीं, ये नेट क्या सही आएगा? Oh my God, 1v1 revive जरूर कर दिया गया, 1v2 oh my God, इस तरीके से नेड मारा, लेकिन नहीं, यहाँ पे रिवाइव कर दिया जाएगा सबको। एट द एंड और मैं लिटरली चौक हो गया।